इकोनॉमी सेगमेंट के अंदर हम फाइनेंशियल मार्केट्स की बात कर रहे थे पिछले सेशन में जो हमने पढ़ा था, थोड़ा रिकैप कर ले और फिर आज की कहानी शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था कि कोई भी कंपनी को आपने शुरू करना है या एक्सपांड करना है तो उसके लिए फाइनेंस चाहिए, और ये फाइनेंस अरेंज करने के लिए दो रास्ते हैं अपने पास। एक जो है डेट फाइनेंसिंग एंड सेकंड दैट इज कॉल्ड इक्विटी फाइनेंसिंग। डेट फाइनेंसिंग के अंदर हमने देखा था कि आप उधारी में पैसा लेके आओ, बॉन्ड है, डिबेंचर है, जीस है, ट्रेजरी बिल, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, ये सारे अपने डेट इंस्ट्रूमेंट। ऐसे लोग कंपनी के क्रेडिटर है, कंपनी को नफा हो नुकसान हो दिस पीपल विल गेट फिक्स्ड इनकम। और जब भी कंपनी अपनी खटे में चली जाए तो लिक्विडेशन करेंगे, और लिक्विडेशन के वक्त फर्स्ट क्लेम रहेगा ये क्रेडिटर्स का। इक्विटी फाइनेंस के अंदर हमने देखा था दिस पीपल आर कॉल्ड शेयर होल्डर्स या फिर प्रोप्राइटर्स या फिर ओनर्स ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी को ज्यादा नफा होगा इनको ज्यादा डिविडेंड मिलेगा, लेकिन जब कंपनी का लिक्विडेशन किया जाए तो इनका क्लेम सबसे अंत में रहता है। फिर हमने बात करी थी कि क्रेडिट रेटिंग जो एकदम बढ़िया रहती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी वगैरह, तो दोज आर कॉल्ड गिल्ट एंड सिक्योरिटीज, और गिल्ट एंड सिक्योरिटी पे आपका रिटर्न अश्योर है लेकिन बहुत कम मिलता है। और जो झोलझाल कंपनियां हैं तो वो सारे जंक बॉन्ड्स। फिर हमने इनके अनुसंधान में देखा था बॉन्ड यील्ड क्या होती है। जब भी कोई कंपनी या फिर सरकार के बॉन्ड का दाम प्राइस अगर नीचे गिरना शुरू हो जाए तो उसकी बॉन्ड यील्ड बढ़ती है, देयर वाज एन इनवर्स रिलेशन। फिर हमने बात करी कि ये स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कुछ और फाइनेंस चाहिए, तो ये म्यूनिसिपल बॉन्ड लाने के लिए सेबी ने क्या नई गाइडलाइंस बनाई है 2015 के लिए। ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर चीज क्या है। फिर हमने देखा कि आपको जो बैंक या शेयर मार्केट से रिटर्न मिल रहा है दिस इज कॉल्ड योर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, और उसके अंदर से आप महंगाई को माइनस कर दो तो आपको मिलेगा रियल इंटरेस्ट रेट, और रियल इंटरेस्ट रेट अगर आपको नेगेटिव मिले तो हम बोलेंगे कि परचेजिंग पावर आपका कम होगा, और उस कारण से जनता फिर गोल्ड और रियल एस्टेट के अंदर ज्यादा निवेश करती है। जब गोल्ड इंपोर्ट बढ़ेगा तो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ती है, रुपी गेट्स वीक, क्रूड ऑयल महंगा होता है और फिर इन्फ्लेशन और बढ़ता रहता है। अगर इससे बचाना हो इकोनॉमी को तो कोई ऐसा सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट हमने निकालना होगा जो आपकी इन्वेस्टमेंट को इन्फ्लेशन से प्रोटेक्ट करे। तो हमने देखा इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड क्या है, दो टाइप के थे, एक तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए और आम आदमियों के लिए। उसका कैलकुलेशन कैसे होता है, WPI CPI 1.44 और यहाँ पे 1.5 वगैरह हमने देखा। सरकार को भी उधारी में पैसा चाहिए, अगर शॉर्ट टर्म में चाहिए तो वो इश्यू करेंगे ट्रेजरी बिल इन द मनी मार्केट, इसकी मैच्योरिटी होती है अप टू 364 डेज, और यहाँ पे कितना इंटरेस्ट पे करेंगे ये लोग नहीं बोलेंगे, दीज आर ओनली सोल्ड एट अ डिस्काउंटेड प्राइस एंड परचेस्ड एट द ओरिजिनल प्राइस। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए उन्हें कुछ उधारी करनी है तो कैपिटल मार्केट में जाएंगे, और फर्स्ट टाइम जो इश्यू करेंगे हम उसको बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द प्राइमरी मार्केट। गवर्नमेंट सिक्योरिटी हाँ एक साल से लेकर 20-30 साल तक प्रिंसिपल इंटरेस्ट आपको ओपनली बता देते हैं। कूपन बॉन्ड की हमने बात करी थी कि किस प्रकार से एक एक करके आपको हर साल रिटर्न मिलता है। अगर ऐसा कूपन यहाँ पे नहीं चिपका हो तो उसे हम बोलते थे जीरो कूपन बॉन्ड्स, बट जीरो कूपन बॉन्ड्स वो डिस्काउंट पे बेचते हैं और ओरिजिनल पे खरीदते हैं, मतलब जीरो कूपन बॉन्ड्स खरीदने पे आपको नुकसान होता नहीं। अगर किसी निवेशक का रिकॉर्ड वगैरह ना रखा जाए तो ऐसे बॉन्ड को हमने बोला बियरर बॉन्ड्स। तो डेट फाइनेंसिंग के अंदर ये कुछ बड़े बड़े टॉपिक थे। इक्विटी फाइनेंस में हमने देखा आईपीओ कैसे लॉन्च करते हैं, सेबी से अपना रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस अप्रूव करवाना है, आईपीओ के अंदर जो भी हमारे लिए ये पूरा सिस्टम ऑपरेट करता है हमने उसको बोला अंडरराइटर, इन्वेस्टमेंट बैंकर, मर्चेंट बैंकर्स, ये लोग ये काम करते हैं। आईपीओ की प्राइसिंग मैकेनिज्म थी फिक्स प्राइस बुक बिल्डिंग मेथड, और सेबी ने बोला कि ये पेपर फॉर्मेट में आप करते हो तो 10-12 दिन लग जाते हैं, तो क्यों ना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में किया जाए। ई आईपीओ निकाले गए, बोनस इश्यू क्या है, राइट्स इश्यू क्या है, प्रेफरेंशियल शेयर्स, ये हमने देखा। अगर इंडियन कंपनी को भी अमरीकी शेयर बाजार से पैसा निकालना है लेकिन वहां जाके अपना आईपीओ वगैरह लॉन्च नहीं करना है तो वो क्या कर सकते हैं, अपने शेयर किसी इन्वेस्टमेंट बैंकर को दे दे, उसके अनुपात में वो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट इश्यू करेगा और अमेरिकी शेयर बाजार से आपको पैसा मिल जाएगा। और इसका उल्टा मिरर इमेज हम बनाए तो भारत डिपॉजिटरी रिसिप्ट या फिर इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट हमने वो भी देखा। म्यूचुअल फंड एक खोखा आप लीजिए, पोर्टफोलियो बनाइए, सभी कंपनी के शेयर बॉन्ड वगैरह रखे तो ये अपनी बनी नेट एसेट वैल्यू, उस हिसाब से सभी इन्वेस्टर्स को आपने यूनिट्स दे दिए, उनको रिटर्न मिलता रहेगा। अगर कोई इन्वेस्टर टाइम से पहले निकलना चाहे तो एग्जिट लोड उस पे लागू होगा। ऐसा ही कुछ था एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की, सरकारी निगमों के शेयर आपने खोखे में भर दिए, गोल्डमैन सैक्स उसको ऑपरेट करता है और उस अनुपात में उसने कुछ यूनिट्स निकाले हैं, आप ये खरीद भी सकते हैं और आगे चाहे तो किसी और व्यक्ति को स्टॉक एक्सचेंज पे जाके बेच भी सकते हो, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। और म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में क्या फर्क है हमने देखा, वहां पे कैश में रिडीम होता है, यहाँ पे शेयर पे रिडीम होता है, एग्जिट लोड यहाँ लागू नहीं होता, कमीशन यहाँ पे कम होता है।
हेज फंड की बात करी थी कि ये भी एक प्रकार से म्यूचुअल फंड है, लेकिन हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपए आपने निवेश करना है, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी 3। पार्टिसिपेटरी नोट के बारे में देखा कि यदि कोई बाहर का निवेशक भारत में आके इन्वेस्ट करना चाहता है बट विदाउट गेटिंग ऑल दिस पैन कार्ड डीमैट अकाउंट वगैरह, तो वो क्या करेगा, किसी ऑलरेडी रजिस्टर्ड एफआईआई के पास अपना पैसा देगा और वो एफआईआई अपने पोर्टफोलियो के अंदर इस व्यक्ति के लिए शेयर बॉन्ड वगैरह खरीदेगी और उसकी जो रसीद दी जाती है उसको हमने बोला पार्टिसिपेटरी नोट्स। टेक्निकली इसको बोलते हैं ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। और इसकी वजह से जो समस्याएं होती है, एक तो हॉट मनी की समस्या, ये पूरी मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या, कैपिटल गेन्स टैक्स को इवेट किया जा रहा है, आतंकवादी किस प्रकार से फाइनेंशियल टेररिज्म फैला सकते हो, और सेबी ने इससे बचने के लिए क्या प्रिकॉशनरी मेजर लिए हैं वो हमने देखा। और अंत में वो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं और वहां प्रोटेक्शन लेने के लिए हम जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, दो टाइप के थे, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन में हमने देखा था वो फोन पटक दिया तो मतलब राइट टू सेल बट देयर इज नो ऑब्लिगेशन टू सेल, और कॉल ऑप्शन तो उसका मिरर इमेज बन जाएगा, राइट टू परचेज बट देयर इज नो ऑब्लिगेशन टू परचेज। और फिर क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप वगैरह मिसेलेनियस टर्म्स भी देखे। तो ये बात हमने अब तक खत्म करी है, अब आगे आज जो बातें करनी है शेयर मार्केट के बारे में स्पेसिफिक, सेंसेक्स का कैलकुलेशन कैसे होता है, ये स्टैग बुल और बियर इन्वेस्टर क्या चीज है, हर्षद मेहता केतन पारेख इन्होंने क्या स्कैम किया और उससे बचने के लिए सेबी ने क्या नए मेजर्स और रिफॉर्म्स बनाए शेयर मार्केट में, डीमैट अकाउंट क्या है, पैन कार्ड वगैरह देखेंगे। वंस अगेन अपना वही डिस्क्लेमर कि जो भी सच्चा झूठा आपको पढ़ा है भारती पाठक की ये किताब है, वहां से देख के मैं पढ़ा रहा हूँ। शुरू करें सेंसेक्स कैलकुलेशन। मैं अगर ये बोलूं कि आज मेरी हाइट बड़ी है तो कोई उसका कंपेरिजन होना चाहिए कि इन द 10th स्टैंडर्ड मेरी इतनी हाइट थी उसके हिसाब से आज इतनी बड़ी है। उसी प्रकार महंगाई बड़ी है कम हुई है, शेयर मार्केट ऊपर गया नीचे गया, सबसे पहले तो कोई एक बेस ईयर होना चाहिए कि उस वक्त कुछ ऐसा नंबर था उसके अनुपात में आज नंबर आगे पीछे हुआ है। तो शेयर मार्केट के अंदर ये जो सेंसेक्स की गिनती होती है कैसे, सबसे पहले एक बेस ईयर पकड़ो, मान लो 1979, और ये सोचो कि उस वक्त केवल एक ही कंपनी थी, विजय माल्या की किंगफिशर। माल्या ने सबसे पहले आईपीओ निकाला होगा और उस आईपीओ के अंदर 1 लाख शेयर थे, वो 1 लाख शेयर के अंदर से माल्या ने 30,000 शेयर अपने पास रखे ताकि वो 30% मालिक बना रहे और बोर्ड में उसका दबदबा बना रहे वगैरह वगैरह, और बाकी के 70,000 वो मेरे आपके जैसे लोगों ने खरीदा और हम आपस में ट्रेड करते हैं। तो ये जो भी सेंसेक्स की गिनती करनी है तो केवल इस वाले पोर्शन में ये जो शेयर की सेल परचेज हो रहा है उस पर हमने फोकस करना है, प्रमोटर के पास जो शेयर्स पड़े हैं उसे हमने गिनती में नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि वो तो हमेशा वहीं पड़े रहेंगे, वो शेयर मार्केट में आके ट्रेड नहीं होंगे, वो तो माल्या अपने पास जान की तरह संभाल के रखेगा ताकि वो प्रमोटर बना रहे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में उसका दबदबा बना रहे, ठीक है। तो ये जो 70,000 शेयर्स हेल्ड बाय पब्लिक उसके ऊपर से हमने सबसे पहले एक नंबर निकालना है, उसे बोलते हैं फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन या फिर FFMC। बहुत आसान है कि यहाँ पे ये एक एक शेयर की क्या वैल्यू है मल्टीप्लाइड विद जनता के पास कुल मिला के कितने क्वांटिटी शेयर्स की है। मान लो एक शेयर की कीमत चल रही है बाजार में उस वक्त 10 रुपए और जनता के पास टोटल हमने देखा 70,000 है, तो जवाब अपने को मिलेगा 60 लाख। तो ये 60 लाख हो गया अपना फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन फॉर द बेस ईयर। वापस जूम आउट करते हैं, फाइनेंशियल मार्केट हमने देखा, शॉर्ट टर्म फाइनेंस चाहिए तो मनी मार्केट में जाओ, लॉन्ग टर्म चाहिए तो कैपिटल में। और ये जो भी मैं माल्या ने सबसे पहली बार अपना आईपीओ प्रस्तुत किया होगा प्राइमरी मार्केट में, ठीक है, मैंने आपने ये खरीदा, एक तो हम ये कर सकते थे कि जान की तरह हम भी संभाल के रखें तो हर साल जब कंपनी को प्रॉफिट हो तो डिविडेंड बनता रहेगा, लेकिन जैसा हम कार खरीदते हैं तो ये नहीं पूरी जिंदगी उसे रखेंगे ही, कोई और अच्छी गाड़ी मिल जाए जिसमें ज्यादा एवरेज मिल रहा है वी विल रिप्लेस इट। तो ऐसे ही यहां पर प्राइमरी मार्केट में आपने जो शेयर खरीदे हैं आगे चल के आप किसी और को बेचेंगे। हाँ, प्रेस सिक्योरिटी यहां खरीदी जाती है और सेकेंडरी में रिसोल्ड होती है। बुल्स और बियर्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे, एक थर्ड टाइप का भी इन्वेस्टर होता है जिसको बोलते हैं स्टैग इन्वेस्टर, स्टैग मतलब मेल डियर। ये स्टैग इन्वेस्टर क्या काम करता है, जब भी आईपीओ वगैरह लॉन्च होते हैं तो ये फ्रेश सिक्योरिटी खरीद लेता है इस आशा में कि आगे चल के मैं सेकेंडरी मार्केट में इसी चीज को बड़े ऊंचे दाम में बेच के प्रॉफिट कमाऊंगा। तो ऐसे व्यक्तियों को, इन्वेस्टर्स को हम क्या बोलते हैं, स्टैग इन्वेस्टर, ठीक है। ये स्टैग इन्वेस्टर ने खरीदा होगा यहां से, आगे चल के सेकेंडरी मार्केट में इसका ट्रेड शुरू होता है। तो दो टाइप के इन्वेस्टर रहते हैं आपको पता है, एक तो रहते हैं बुल इन्वेस्टर, ये सोचते हैं कि इस शेयर का दाम और बढ़ेगा, 100 है तो कल 200 होगा, 300, 400, तो मैं 400 पे खरीदूं तो आगे चल के 500, 600 जब हो जाए मैं किसी और को बेच के मुनाफा कमा लूंगा।
So bull investor, they hope the prices will rise and then therefore they purchase the securities. और उसका mirror image उल्टा bear investor, इनको ये खतरा रहता है कि दाम और नीचे गिरेंगे और मेरा नुकसान हो जाएगा. आज ये शेयर बिक रहा है 500 पे, मेरे पास पहले से है, कल हो जाएगा 400, 300, तो मैं 300 पे बेच दू वरना 200 पे बेचूंगा तो मुझे और नुकसान हो जाएगा. तो इस प्रकार से ये बियर इन्वेस्टर अपनी सिक्योरिटी सेल करते हैं. ऐसा नहीं है कि जो बुल हो गया तो हमेशा बुल ही रहता है या बियर केवल बियर रहता है. ये तो डिपेंड करता है कि मार्केट सिनेरियो क्या चल रहा है, इकोनॉमी कैसी चल रही है. हो सकता है कि एक ही व्यक्ति आईटी कंपनियों के लिए बुल इन्वेस्टर हो लेकिन रियल एस्टेट कंपनियों के लिए वो, या फिर एयरलाइन कंपनियों के लिए बियर इन्वेस्टर हो, डिपेंड्स. खैर, तो ऐसे लोग आपस में एक दूसरे के साथ ट्रेड करते रहते हैं और शेयर्स का सेल परचेज होता रहता है. फास्ट फॉरवर्ड करके हम आते हैं 2015 में, वापस निकाले नया नंबर, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इन द ईयर 2015. फॉर्मूला तो यहां पे भी वही रहेगा कि एक एक शेयर का क्या दाम है मल्टीप्लाइड विद टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय पब्लिक. मान लो कि ये माल्या की कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और 2000 की कीमत में उसके शेयर बिकते हैं आपस में, और अभी भी क्वांटिटी में तो केवल 70,000 ही है. तो अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा 14 करोड़ 14 करोड़. बस अब अपना काम हो गया. ये बीएसई का सेंसेक्स फॉर्मूला है कि फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन आज की तारीख में कितना है डिवाइडेड बाय वो बेस ईयर में कितना था. ये आपको रेशियो मिला, उसको आप 100 से मल्टीप्लाई करो, जवाब आ जाएगा 2015 में कितना था डिवाइडेड बाय 79 में कितना था, 14 करोड़ डिवाइडेड बाय 7 लाख, तो जवाब आएगा 20,000. ये हो गया अपना आज का सेंसेक्स. अब ये तो आपको आसानी से समझ में आया इसलिए मैंने केवल एक कंपनी की बात करी. इन रियल लाइफ ये जो अपना बीएसई सेंसेक्स है, 20 अलग अलग कंपनियां इन्होंने शॉर्टलिस्ट करी है और हर एक कंपनी का वो इस प्रकार से एफएफएमसी निकालेंगे. तो इनके पास 30 नंबर आ गए. अब इनका ये सिंपल एवरेज नहीं निकालेंगे, वेट एवरेज निकालेंगे. वेट एवरेज के अंदर ये क्या करेंगे, हर एक कंपनी को उसकी कितनी बड़ी साइज है उस हिसाब से वेट असाइन करेंगे. तो एप्टीट्यूड में आपको फर्क पता होगा सिंपल एवरेज क्या होता है, ये वेट एवरेज क्या होता है. तो सेंसेक्स इन रियल लाइफ क्या है, 30 कंपनियों का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाल के उसका जो वेट एवरेज निकाला गया वो अपना सेंसेक्स है. जो ये वेट कैसे असाइन करते हैं, डिपेंड्स कंपनी की साइज कितनी बड़ी है. अब और भी सवाल होते हैं. मैंने आपको शुरुआत में बताया कि प्रमोटर के पास जो शेयर है हमने वो काउंट नहीं करने हैं, लेकिन हो सकता है इतने सारे साल बीत गए, कई बार प्रमोटर्स ने अपने शेयर बेच के वो कहीं निकल लिए होंगे, कई बार कंपनी खत्म हो गई होगी, कई बार दो कंपनियां एक दूसरे के साथ मर्ज हो गई हो, तो ये सारे जो माइनर फ्लक्चुएशन है इसको भी एडजस्ट करना पड़ता है. ये काम करते हैं हर एक स्टॉक एक्सचेंज के अंदर उनका एक इंडेक्स सेल होता है और इंडेक्स सेल के अंदर अफसर ये सारा मॉनिटरिंग करके फॉर्मूला को एडजस्ट करते रहते हैं. एनीवेज, अगर आपको इंटरव्यू में कुछ पूछा जाए या प्रीलिम में कुछ पूछा जाए, सेंसेक्स क्या है, 30 कंपनियां हैं, उनका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाल के फिर वेट एवरेज निकालते हैं. 30 कंपनियां कौन कौन सी है यहाँ पे मैंने लिस्ट दे दिया है. इतना बिजनेस आपको यूपीएससी में तो परेशान नहीं करेगा, लेकिन बैंक का इंटरव्यू हो तो फिर वो आपको पूछ सकते हैं कि भाई सेंसेक्स के अंदर कौन कौन सी बैंक के शेयरों की गिनती होती है. फॉर एग्जाम्पल एचडीएफसी है, हाँ आईसीआईसी है, एसबीआई, तो वो थोड़ा ओवरऑल अपने को आइडिया होना चाहिए. सेंसेक्स इसको इसलिए बोलते हैं, सेंसेक्स मतलब सेंसिटिव इंडेक्स. थोड़ा और जीके, विश्व का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज वो था एम्स्टरडेम में जो कि नेदरलैंड के अंदर है, इन द ईयर 1602. ये सबसे पहला. एशिया का सबसे पुराना देखे तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इन द ईयर 1875. और इंडिया के अंदर हम क्रोनोलॉजी बनाए तो सबसे पहले ये अपना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या बीएसई बना, फिर अहमदाबाद, फिर कोलकाता और फिर बना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी. ये पूछा गया है एक बार एमसीक्यू में. दो स्टेटमेंट दिए थे यूपीएससी ने कि विश्व का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज न्यूयॉर्क में है और सेकंड कि ये जो सेंसेक्स है वो एक सिंपल एवरेज है, तो फिर आपने ट्रू और फॉल्स पकड़ना था, आसान. अब ये शेयर मार्केट ऊपर जाता है नीचे जाता है, क्योंकि अब आपको पता चल गया कि वो कैलकुलेशन कैसे होता है तो आप समझ सकते हैं. शेयर मार्केट नीचे कब जाएगा, ये बियर इन्वेस्टर जरा ज्यादा एक्टिव हो जाए और पानी के दाम में अपने सूर्य सिक्योरिटी लेके बेच के निकलना शुरू करें. जब वॉर शुरू हो जाए, महंगाई हो, तब महंगाई के वक्त क्या होगा, लोग ये गिनेंगे कि भाई मुझे रियल इंटरेस्ट रेट कितना मिल रहा है. अगर शेयर मार्केट में स्वाभाविक है जब महंगाई बढ़ेगी तो शेयर मार्केट बैंक वगैरह में आपको रियल इंटरेस्ट रेट नेगेटिव में मिलेगा, तो जनता अपने शेयर सिक्योरिटी बेच बाज के गोल्ड रियल एस्टेट में इन्वेस्ट शुरू करेगी. तो जब ज्यादा सेलिंग शुरू हो जाए अपने आप मार्केट सेंसेक्स नीचे आने लगेगा. पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो तब भी यही सिनेरियो बनता है. शेयर मार्केट ऊपर कब जाएगा,
खास करके राजन भाई जब सॉफ्ट मनी मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस करें, मतलब मैं अपना SLR कम करता हूं, मैं अपना रेपो रेट कम करता हूं, इस प्रकार की चीप मनी पॉलिसी, इजी मनी पॉलिसी, सॉफ्ट मनी पॉलिसी, तो उस वक्त सारे निवेशक ये सोचेंगे कि हाँ, अब कंपनियां पहले से ज्यादा बोरो करेंगी, ज्यादा एक्सपांड होगी, बड़ा प्रॉफिट होगा, हमें बड़ा डिविडेंड मिलेगा, तो उस केस के अंदर शेयर का फिर परचेज और बढ़ना शुरू होता है और अपने आप सेंसेक्स ऊपर आ जाएगा। उसी प्रकार अगर सरकार FDI को रिलैक्स कर दे, तब भी लोग ये सोचे कि हाँ, ये रियल एस्टेट में FDI रिलैक्स किया है, तो मैं पहले से ये DHFL वगैरह की शेयर खरीद के रखूं, ताकि फॉरेन इन्वेस्टर आए तो मैं उसे बड़े दाम में बेच पाऊंगा वगैरह वगैरह। मर्जर एक्विजिशन की अगर कुछ रूमर चलती है तब भी ये सीन बनता है। ठीक है, कई बार इंटरव्यू में डेविल्स एडवोकेट बन के इंटरव्यूअर आपसे ये बोलता है कि शेयर मार्केट की क्या जरूरत है, ये तो बस आपस में लोग स्पेकुलेशन करके एक दूसरे के साथ बैटिंग या गैम्बलिंग कर रहे हैं, इससे इकोनॉमी को कोई फायदा नहीं, इसको तो बंद कर देना चाहिए। जवाब है ना। आपने मेरी कंपनी का प्राइमरी मार्केट आप समझते हैं, मैंने IPO निकाला, आप सबने वो खरीद लिया शेयर मेरी कंपनी की, अब आपको मजा नहीं आता तो फिर आपके पास ऑप्शन होना चाहिए कि आप किसी और को बेच पाए। इस कारण से शेयर मार्केट जरूरी है, इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू द इन्वेस्टर। अगर ऐसा नहीं होगा, मेरी कंपनी में आपने निवेश किया है और आप वो शेयर बेच के नहीं निकल सकते, तो फिर आप दूसरी बार कोई और कंपनी आएगी तो उसके शेयर खरीदने से पहले सोचोगे, तो उस कारण से फिर नई जो कंपनी आई उसे अपना कैपिटल इक्विटी फाइनेंस लाने में मुश्किल होगी और काम बनेगा नहीं। तो शेयर मार्केट जरूरी है, हाँ वो जरूरी है। ठीक है, ये तो हमने देखा कि एम्स्टर्डम 1600 से भी ये काम चल रहा था, लेकिन इतने सारे सालों तक ये पूरे शेयर जो थे पेपर फॉर्म में एक दूसरे के साथ हम सेल करते थे। अब पेपर कागज के टुकड़ों में शेयर बना के हम एक दूसरे को बेचेंगे तो समस्याएं बहुत सारी आएंगी। सबसे पहले तो ये डिलीवरी प्रॉब्लम, चोरी हो जाने का खतरा, कि मैं तो भाई अपने शेयर लॉकर में रखता हूँ, आज आपने खरीदा तो नहीं, वो तो शनिवार है, 2 बज गए, अभी मैं सोमवार को लाके आपको दूंगा। डिलीवरी प्रॉब्लम, फियर ऑफ थेफ्ट। फिर मैं एक ब्रोकर हूँ, आपने मुझको बोला हो कि भाई इस तारीख को इस कंपनी के इतने शेयर खरीद के रखना, तो मैं जानबूझ के मुझे कहीं से टिप मिली है कि भाई वो तो और सस्ते में बिकेंगे हफ्ते बाद, तो मैं हफ्ते बाद खरीदाऊंगा, आपको फिर ट्रांसफर में डिले करूंगा और फिर नकली रसीद बना के नहीं मैंने तो इतने दाम पे खरीदे, तो ये सारी मतलब मिसमैनेजमेंट न्यूसेंस ये चलता रहता था। तो अगर यहां से हमने बाहर निकलना है तो क्या करना चाहिए, ये जो फिजिकल फॉर्म या पेपर फॉर्म या मटेरियल फॉर्म के अंदर पेपर शेयर है, उससे आप उसको डीमटेरियलाइज करके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बना दो। ठीक है, तो ये अपना काम हो जाएगा डीमटेरियलाइजेशन, डीमैट अकाउंट यहां से शुरू होता है, ये किया गया mid-90s के बाद में। डीमैट सिस्टम क्या है समझ लें, डीमैट सिस्टम के बैक में कहीं एक बहुत बड़ी तिजोरी या खजाना है जिसको हम बोलते हैं डिपोजिटरी। जैसे ये अपनी है नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड NSDL, उस प्रकार CSDL भी है, एक समझो आपकी एक तहखाना है, और सभी कंपनी के ये शेयर सिक्योरिटी वगैरह यहाँ पेपर फॉर्म के अंदर वहां संभाल के रखे हैं। अब इस तहखाने से ये SBI, HDFC, ICICI ये लोग वहां से एजेंसी लेंगे अपनी, तो ये सारे बन गए डीमैट के डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स। फिर मैं और आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाके इन बैंकों में अपना डीमैट खाता खुलवाएंगे। अगर हम बैंक में बैंक अकाउंट खुलवाएंगे तो फिर आप मुझे अपना बैंक अकाउंट नंबर बोलो और फिर मैं अपने अकाउंट से आपको ऑनलाइन मनी ट्रांसफर कर दूंगा। उसी प्रकार आप क्या करेंगे, हम जब शेयर का सेल परचेज करना है, आप मुझको अपना डीमैट अकाउंट नंबर बोलो, मैं सेल ट्रांसफर कर दूंगा। तो शेयर ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनिकली यहां होते हैं, बट फिजिकली वो तो डिपोजिटरी के अंदर से मूव नहीं करते हैं। अब शेयर मार्केट के अंदर थोड़ा जनता का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए UPA सरकार एक लाई थी राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम। इक्विटी से हमको पता चलता है कि भाई शेयर खरीदना है ऐसा कुछ, और सेविंग स्कीम इस हिसाब से कि अगर आपने पहली बार वहां पे निवेश किया तो आपको टैक्स के अंदर कुछ माफी दी जाएगी। लेकिन ये स्कीम के प्रति लोगों का रिस्पांस बहुत मामूली रहा। कारण ये है कि सबसे पहले डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए आपको पान कार्ड लेना पड़ता है और पान कार्ड के भी 100 रुपए लगते हैं। ये आपने यहाँ डीमैट अकाउंट खुलवाया तो ये मुफ्त में नहीं खुलता, इनको भी सर्विस चार्जेस नियमित रूप से आपने पे करने पड़ते हैं। तो जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो ये सोचते हैं कि यार एक तो खर्चा पहले से इतना, कितना रिटर्न मिलेगा मुझे पता नहीं। तो उस कारण से जो ये राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम के नाम पे फाइनेंशियल इंक्लूजन करने की सरकार की मंशा थी, वो फेल रही, खास काम में नहीं आई। ठीक है, हमने समझ लिया डीमैट सिस्टम क्या है। डीमैट अकाउंट खुलवाना हो तो सबसे पहले तो एक पान कार्ड अपने को चाहिए। तो पान कार्ड और UID कार्ड, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, इनके सेलिएंट फीचर क्या है, MCQ के अंदर ये परेशान कर जाता है, समझे हम। पान कार्ड एक 10, उसके अंदर ये है डिजिट, उसके अंदर क्या है, अल्फा न्यूमेरिक है, कुछ अल्फाबेट्स भी है A to Z और नंबर भी है 0 to 9, फॉर एग्जाम्पल ANY PNO
ऐसा करके कुल मिला के 10 आपको कुछ लेटर्स बन जाएंगे। यूआईडी में क्या है, 12 यूनिक डिजिट्स, 0 से 9, यहाँ एबीसीडी नहीं दिखेगी, 0 से 9 नंबर आप जोड़ के 12 डिजिट का एक नंबर बनाना है, 5485 जो भी चल रहा है। पान कार्ड आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देता है, यूआईडी आपको कौन देता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आगे फर्क, पान कार्ड कौन निकाल सकता है, भारत के सभी रेसिडेंट, सिटीजन नहीं, रेसिडेंट, और एनआरआई भी। तो आप देखिए ये ओबामा का फोटो इसलिए लगाया है, यूएसए के अंदर आपको पता है 2 ही बार आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं, तो फिर अब वो ये सोचे कि यार अब अमेरिका में नहीं, यहाँ पे मुझे सेटल होना है, वो भी चाहे तो अपना पान कार्ड निकाल सकते हैं। सेकंड थिंग, पान कार्ड आपके एड्रेस के साथ बदलता नहीं है, ओबामा दिल्ली में रहे कल जाके मुंबई सेटल हो जाए तो पान कार्ड नंबर जो ये है अपना 10 लेटर्स वाला वो उतना ही रहेगा। यूनिक आइडेंटिफिकेशन, ये यूआईडी के अंदर भी सेम टू सेम सभी रेसिडेंट निकलवा सकते हैं, हाँ एनआरआई निकलवा सकते हैं, हाँ, और ये भी एड्रेस के साथ चेंज नहीं होगा नंबर। पान कार्ड निकलवाने के लिए कोई मिनिमम एज लिमिट या मैक्सिमम एज लिमिट नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर कार्ड में तो आपको पता है कि 18 साल हो तब मिलेगा, यहाँ ऐसा कुछ नहीं। तो दिव्य भास्कर गुजरात समाचार में कई बार आपने वो देखा होगा, एक दिन के बच्चे का पान कार्ड निकाला गया और फिर फोटो वगैरह, बच्चे को तो कुछ पता नहीं, बस खाली माँ बाप को होशियारी माने के लिए। तो मतलब कि मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट पान कार्ड के अंदर नहीं है। पान कार्ड के अंदर बायोमेट्रिक डेटा की बात करें तो केवल एक ही है अपना, ये फोटोग्राफ, आपका फिंगरप्रिंट स्कैन है नहीं, आयरिस स्कैन है नहीं, वॉइस प्रिंट है नहीं, कुछ नहीं, केवल एक अपना फोटोग्राफ है। और पान कार्ड मुफ्त में नहीं मिलता, अपने को अराउंड 100 रुपीज फीस देनी पड़ती है। यूआईडी की बात करें तो यहाँ बायोमेट्रिक डेटा में क्या है, एक तो आपके आई का वो आयरिस स्कैन किया गया है, आपका ये फोटोग्राफ निकाला गया है, और फिंगरप्रिंट, ये 3 चीज रिकॉर्ड के अंदर रखी गई है बायोमेट्रिक डेटा के रूप में। लेकिन अगर कोई बच्चा 3 साल से कम उम्र का हो तो उसकी फिंगरप्रिंट अभी बराबर डेवलप नहीं हुई होती, तो वो वाला डेटा फिर बाद में आप अपडेट करवाइएगा, तब वो नहीं लिया जाता। यूआईडी कार्ड अपने को मुफ्त में मिल जाता है, यहाँ पैसा देना पड़ता है, ये तो मुफ्त में। पान कार्ड कौन निकलवा सकता है, एक इंडिविजुअल, हाँ, एक फर्म, ज्वाइंट वेंचर कंपनी, ये सारे, मतलब जीवित, एक सजीव व्यक्ति भी निकलवा सकता है और ऐसी निर्जीव चीजें इनका भी पान कार्ड निकल सकता है। यूआईडी में ऐसा नहीं होता, कोई कंपनी, फर्म, ये लोग अपना यूआईडी कार्ड नहीं निकलवा सकते, ये तो केवल एक व्यक्ति, ओनली इंडिविजुअल अपना कार्ड निकलवा सकता है। ठीक है, हमने समझ लिया कि भाई डीमैट सिस्टम है, पान कार्ड है और ऑनलाइन सारा शेयर्स का ट्रेडिंग चलता है। अब ट्रेडिंग चलता है तो फिर क्या सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो सॉफ्टवेयर यूज होता है उसको बोलते हैं वॉल्ट, बीएसई ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर एनएससी में है नीट, नीट माने एनएससी फॉर ऑटोमेटिक ट्रेडिंग। तो ये आपने कई बार टीवी में देखा होगा, ऐसा ब्लैक स्क्रीन चलता है और ये रेड और ब्लू कलर के कुछ सेल अपडेट होते रहते हैं, तो वो क्या है, ऑनलाइन ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है वॉल्ट और नीट। अच्छा सोच के बताओ, जो कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर ये बैंक वाले यूज करते थे कौन थे फेमस, फिनेकल, फिनेकल को किसने डिजाइन किया, इंफोसिस ने, और एक बैंक है जिसको उसमें मजा नहीं आया, कौन थी वो बैंक, भारतीय महिला बैंक, वो अमेरिकन डिजाइनर से अलग सॉफ्टवेयर बना के लाए। अब ये ठीक है ऑनलाइन ट्रेडिंग हो रहा है तो ऐसा भी नहीं कि वो बीएसएनएल के फोन लाइन से तार जोड़ के, वो तो कब खत्म हो जाए पता नहीं, ये जो भी स्टॉक एक्सचेंज है उन्होंने अलग से कनेक्शन पूरा अपना बैंडविड्थ लिया होता है फ्रॉम वीसेट, वेरी स्मॉल एपरेटस टर्मिनल, वहां से उनकी फुल बैंडविड्थ और सिक्योर इंक्रिप्टेड कनेक्शन वगैरह चलता रहता है। अब ऐसा भी नहीं कि ये फुल अपने को जोरदार इंटरनेट मिल गया तो फिर 24/7 वो फेसबुक व्हाट्सएप की तरह ये यूज करते रहेंगे, इन सर्टेन सिनेरियोस ये ट्रेडिंग बंद कर देना पड़ता है। 2 ऐसे सिनेरियो बनते हैं, फर्स्ट की जब सोलर फ्लेयर ज्यादा इंटेंसिव हो जाए, सोलर फ्लेयर मतलब उस वक्त सूर्य में से हाई एनर्जी पार्टिकल्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसकी मात्रा पृथ्वी की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के साथ वो इंटरफियर करती है, देयरफॉर जब इसरो बोले कि अभी सोलर फ्लेयर एक्टिविटी बहुत बढ़ने वाली है तो उतने समय के लिए ऑनलाइन ट्रेडिंग बंद करवा देते हैं। सेकंड सिनेरियो, जब इक्विनॉक्स हो तब भी ट्रेडिंग कुछ समय के लिए बंद करवा देते हैं, ये समझते हैं इसका साइंटिफिक प्रिंसिपल। पहले तो इक्विनॉक्स चीज क्या है, सूर्य है, पृथ्वी आसपास चक्कर लगाती है, अब ये चक्कर लगाती है तो कई बार ये होता है कि अपना ये कर्क वृत्त कैंसर ये सूर्य के सामने हो जाए, कई बार चक्कर लगाती तो ये होता है कि अपना ये मकर वृत्त या कैप्रिकॉन ये सूर्य के सामने हो जाए,
और साल में दो सीन ऐसे बनते हैं कि जब अपना ये विषुववृत्त इक्वेटर वो सूर्य के सामने हो जाए, तो जब ये अपने पृथ्वी का इक्वेटर और सूर्य एक लाइन में आ जाए तो उसको बोलते हैं एक्विनॉक्स। मार्च 21 को बने तो उसको बोलते हैं स्प्रिंग एक्विनॉक्स, सितंबर 23 को बने तो ऑटम इक्विनॉक्स। अच्छा सोच के बताओ, जब ऐसा सीन बने तो दिन लंबा होगा कि रात लंबी होगी कि दोनों इक्वल होंगे? बोथ विल बी इक्वल। अब हम वापस आए, ये तो हमने एक समझा कि हाँ इक्विनॉक्स का मतलब क्या है। वी सेट क्या है? एक जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है, इसको अपने इक्वेटर से एकदम ऊपर 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे स्थापित किया है। तो आप अगर कहीं से देखें तो आपको ये लगेगा कि एक ही जगह भी ये स्थिर है, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है। अब दोनों बातों को हम मर्ज करें। पहला तो हमने देखा कि इक्विनॉक्स क्या है, तब सूर्य और ये अपना पृथ्वी दोनों ही एक लाइन में है, और ये अपना सैटेलाइट तो हमेशा इक्वेटर के ऊपर ही रहेगा। तो जब ऐसा सीन बनेगा तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में वापस इंटरफेरेंस शुरू हो जाता है। तो उतने कुछ घंटों के लिए इसरो पहले से बोल के रखता है और ऑनलाइन ट्रेडिंग को बंद कर देते हैं। तो मतलब सोलर फ्लेयर में बंद करेंगे, हाँ इक्विनॉक्स में बंद करेंगे। एमसीक्यू में उल्टा कर सकते हैं कि भाई वो सॉलिस्टिस में किया जाएगा, नहीं इक्विनॉक्स में किया जाएगा। सेंसेक्स की कैलकुलेशन हमने देख ली, डीमैट सिस्टम क्या है, पान कार्ड और ये आधार यूआईडी नंबर में क्या फर्क है, ऑनलाइन ट्रेडिंग कैसे करते हैं ये हमने समझा। अब शेयर मार्केट बेसिक कैसे ऑपरेट करता है ये तो समझ लिया। ऑपरेट करता है तो फिर कुछ स्कैम भी हुए हैं, हर्षद मेहता और केतन पारेख। वैसे तो ये बहुत पुराने टॉपिक है, लेकिन क्योंकि आजकल भी फाइनेंशियल स्कैम्स बहुत हो रहे हैं तो इंटरव्यू के अंदर फॉलोअप सवाल में ये कैसे हुआ, उसके बाद ये कैसे हुआ, थोड़ा अंदाजा होना चाहिए। और क्योंकि आप सब लोग गुजरात से हैं तो फिर प्रोफाइल बेस्ड क्वेश्चन की भाई गुजरात की अस्मिता में जमनो फाड़ो थे लोगों इसे भी चर्चा करो तो चर्चा थोड़ा ओवरव्यू में ले लेते हैं। बॉटम लाइन यहाँ पे ये है, अगर मुझे ये ऑनियन की कालाबाजारी करनी हो तो क्या करना पड़ेगा, मैं कहीं से पैसा लेके आऊं और ढेर सारे बाजार से ऑनियन खरीद के वो स्टॉक होल्डिंग करूं और फिर ऊपर उसके दाम चढ़ाऊं। तो ये शेयर मार्केट के अंदर भी ये कुछ ऐसा ही मैनिपुलेशन करना चाहते हैं, लेकिन पहली शर्त ये थी कि कहीं से वो मुफ्त का पैसा लेके आए और वो पैसा यूज करके शेयर मार्केट में मैनिपुलेशन करें। ये दोनों कैसे पैसा वो लेके आए उस हिसाब से उनकी स्कैम थोड़ा अलग अलग था। सबसे पहले फोकस करें ये हर्षद मेहता क्या करके गए। इन द फर्स्ट लेक्चर हमने देखा रेपो रेट क्या है, कि आरबीआई अपने सभी क्लाइंट्स को शॉर्ट टर्म के लिए जो लोन लेता है उसके लोन देता है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है इट इज कॉल्ड रेपो रेट। और रियल लाइफ में ये सीन थोड़ा अलग बनता है कि मैडम को अगर शॉर्ट टर्म में लोन चाहिए तो वो क्या करेंगी, अपनी सिक्योरिटीज राजन भाई को बेचेंगी। सामने राजन भाई उनको 100 करोड़ देते हैं, लेकिन मैडम साथ ही साथ एक रीपर्चेज कॉन्ट्रैक्ट पे भी साइन कर लेंगी कि मैं 7 दिन या 14 दिन बाद यही वाली सिक्योरिटीज आपसे 108 करोड़ में खरीद लूंगी। तो इस प्रकार से अपना 8% रेपो रेट बन गया। खैर तो अगर किसी बैंक ने आरबीआई से उधारी करनी होती तो ये इस प्रकार से कर सकते हैं। कुछ सीन में बैंक ही आपस में इस प्रकार से शॉर्ट टर्म उधारी करती थी, एक्सिस बैंक, शिखा शर्मा, अरुंधति भट्टाचार्य, अपने एसबीआई बैंक। मान लो शिखा मैडम को पैसों की जरूरत है शॉर्ट टर्म में और आरबीआई के पास उन्होंने जाना नहीं, तो वो क्या करेंगी, अपनी सिक्योरिटीज एसबीआई को बेच दी, एसबीआई ने सामने 100 करोड़ दे दिया और एक एग्रीमेंट भी साइन किया होगा कि यही वाली सिक्योरिटी मैं ऊंची कीमत पे थोड़े समय बाद आपसे खरीद लूंगी। अब ये पूरा 90s का एरा चल रहा है हर्षद मेहता, तो ये काम अब तो ऑनलाइन होता है, उस वक्त ऑनलाइन होता नहीं था, तो हमेशा एक खतरा रहता है कि भाई इतनी सारी सिक्योरिटीज वहां से ट्रांसफर करनी है वगैरह। तब इस प्रकार के मिडल मैन एक्टिव रहते थे हर्षद मेहता। काम ये लोग ये करते थे, शिखा मैडम को अगर पैसों की जरूरत है तो अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अनुपात में वो बैंक रिसीव नहीं बना देती थी, और वो बैंक रिसीप्ट लेके हर्षद मेहता जाएगा एसबीआई में और उसके अनुपात में मैडम उसको लोन में पैसा दे देगी और फिर ये तय होगा कि हाँ थोड़े समय बाद वही रिसीप्ट हम आपसे वापस खरीद लेंगे वगैरह। ये लीगली काम हो रहा था। हर्षद मेहता ने स्कैम में फर्स्ट ये किया कि यहां से तो वो बैंक रिसीप्ट लेके निकले कि ये 100 करोड़ की सिक्योरिटी है और बैंक हमारे शिखा मैडम को उधारी में पैसा चाहिए, वही वाली रिसीप्ट उन्होंने दी एसबीआई को, वहां से 100 करोड़ उठाए और मैडम को दे दिया, और वही वाली रसीद वापस उसकी डुप्लीकेट लेके वो चले गए आईसीआईसीआई बैंक में कि हमारे मैडम को पैसा चाहिए। या तो कई केस में इसने नकली रसीद बनाई, कई केस में ये किया कि क्योंकि ये रोज ही ये काम करता था तो बैंक वालों को भी इस पे यकीन था, तो फिर कि वो मेरी स्टैम्प ड्यूटी का कुछ काम बाकी है तो शनिवार आज है, मैं सोमवार को आपको दिलवा दूंगा 2-3 दिनों के लिए, तो हाँ समझ के वैसे भी विदाउट रिसीप्ट उसको पैसा दे देते। इस प्रकार से 1992 में कुल मिला के हर्षद मेहता ने 1,000 करोड़ रुपए जमा किए। अब ये मुफ्त का माल आ गया, बस अब ये
पैसा लेके शेयर मार्केट को मैनिपुलेट करेंगे। इसने जम के शेयर्स की खरीदारी शुरू की और हमने सेंसेक्स कैलकुलेशन देखा था कि अगर बहुत जमकर खरीदारी होगी तो क्या होगा, सेंसेक्स ऊपर आएगा कि नीचे जाएगा? ऊपर आएगा। तो 92 में आप देखें तो जनवरी से अप्रैल के बीच सेंसेक्स जो 2000 चल रहा था अचानक से 4500 4500 ऊपर चला गया। हर्षद मेहता ने सिलेक्टेड कंपनियों के शेयर पे फोकस किया। एक थी एसीसी सीमेंट, तो उसके शेयर जो चल रहे थे 200 की कीमत पे उसने जम के खरीदारी शुरू की। स्वाभाविक है शेयर के दाम बढ़ना शुरू हो जाएंगे, और बढ़ना शुरू हो जाएंगे तो मेरे और आपके जैसे लोग भी खरीदेंगे, पुल इन्वेस्टर बनके कि अभी खरीदो और दाम मिलेगा। तो ऐसा बढ़ता बढ़ता ये पहुंच गया सीधा 9000 पे, और तब उसने अपने शेयर जो सस्ते में पहले से लेके रखे थे सारे बेचना शुरू किया और अचानक से विंडफॉल प्रॉफिट उसका बढ़ने लगा, और उसी प्रॉफिट से फिर वापस यहाँ जो बेवकूफ बना के पैसा लाया था इन सभी बैंकों को वापस किया, और फिर भी इसके पास ढेर सारा प्रॉफिट में पैसा बचा। तो इस प्रकार की ये गेम खेल रहा था, अंत में पकड़ा गया। 2001 के अंदर हार्ट अटैक में इसकी जेल में मृत्यु हो गई। स्वाभाविक है पिक्चर में अगर इंटरवल से पहले हीरो मर जाए तो नया एक हीरो आ जाता है। केतन पारेख ने क्या किया, जो फाइनेंशियल स्कैम चीटिंग फ्रॉड इसके अंदर एक बार अगर व्यक्ति पकड़ा जाए तो आपने वही वाली मोडस ऑपरेंडी फिर से यूज नहीं करनी चाहिए, वरना पकड़े जाने का भय ज्यादा रहता है। तो ये केतन पारेख ने वो रेडी फॉरवर्ड डील करके वहां में गफला करूं वो उस लाइन में गया नहीं। इसने तो सीधा ही बैंक के अफसरों को अप्रोच किया, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, हमने देखा था 90s में जो लाइसेंस पास किए गए 10 बैंकों में उसमें चार जो खट्टे में गई थी एक ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, तो उसके सीएमडी को इसने हथेली में चांद दिखा दिया कि भाई आप मुझे थोड़े समय के लिए पैसा दो मैं आपको इतना रिटर्न बना के दूंगा। उसी प्रकार अपनी ये माधुपुरा कोऑपरेटिव बैंक वहां से 1000 करोड़ रुपए ये उठा के ले आया। बस इसके पास भी इस प्रकार से अब मुफ्त का माल है तो फिर से शेयर मार्केट मैनिपुलेट करो। हमने देखा हर्षद मेहता ने सीमेंट वगैरह कंपनियों के शेयर पे फोकस किया था, तो केतन पारेख समझ गया कि मैं अगर सीमेंट कंपनियों के प्राइस मैनिपुलेट करूंगा तो वापस से भी मुझे पकड़ लेगी, उस अलर्ट हो जाएगी। इसने फोकस किया आईटी कंपनीज पे, क्योंकि ये साल है 2001, वो Y2K प्रॉब्लम अभी अभी सॉल्व हो गया है, और आईटी सेक्टर में इतनी बूम चल रही है कि जिसके क्लास 12 में अगर 90% भी आ जाए तो वो मेडिकल लाइन छोड़ के आईटी में जा रहा था, तब का ये दौर है। तो इस केस मतलब कि इस जमाने में अगर आईटी कंपनी के शेयर के दाम अचानक से उछल के बड़े हो जाए तो भी सेबी को इतना उसमें स्कैम हो रहा है ऐसा उसे लगेगा नहीं। तो इसने इस प्रकार से आईटी कंपनियों को फोकस किया। विजुअल सॉफ्ट एक कंपनी थी 600 में जिसके शेयर बिक रहे थे, अचानक से खरीदारी शुरू की और दाम ऊपर लाके वो 8000 ले आए और फिर अचानक से बेचना शुरू कर दिया। सोनाडा सॉफ्ट जो 90 रुपीज पे चल रहे थे तो 2000 करवा दिए। उस प्रकार से इसने भी ढेर सारा पैसा बनाया, और कोई भी शेयर उसने अपने नाम से नहीं खरीदा। ये मुंबई की झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले उनके पान कार्ड डीमेट अकाउंट और बेनामी पूरा सब्सक्रिप्शन गेम ये खेलता रहा। इसका गेम खत्म इसलिए हो गया, आप देखो ये केतन पारेख क्या कर रहा है, शेयर्स खरीद रहा है ताकि भाव और ऊपर चलता जाए, तो एक प्रकार से ये पुलिस इन्वेस्टर है। सामने कुछ दूसरे शेयर ब्रोकर थे जिनको ये पता चल गया कि ये आदमी गलत कर रहा है, इसको हमने नीचे गिरा देना है, तो उन सारी लोगों ने सारे ब्रोकर्स ने एक बियर कार्टेल बनाई और आईटी कंपनी के शेयर अचानक से धड़ाधड़ बेचना, नुकसान करके भी बेचना शुरू कर दिया। तो वापस जो ये केतन पारेख भाव ऊपर चढ़ा रहा था वो वापस नीचे आ गए। अब इसने वापस ऊपर चढ़ाना है तो फिर से कहीं से मुफ्त का माल लेके आना होगा, जो वो जल्दी से ले नहीं पाया और फिर पूरा स्कैम बाहर आ गया, इसको भी जेल हो गई। खैर लेकिन इसको तो मेरे ख्याल से करीब 1 साल ही जेल यात्रा करनी पड़ी फिर ये वापस आ गए। और कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये अभी भी एक्टिव है। 2010 में SKS माइक्रो फाइनेंस के शेयर प्राइजेस में कुछ गड़बड़ी देखी गई, आगे चल के ONGC के ये पूरे प्राइजेस में भी कुछ देखा गया, और कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि पर्दे के पीछे सूत्रधार केतन पारेख अभी भी एक्टिव है। हर्षद मेहता ने क्या किया, केतन पारेख ने क्या किया, हमने देखा। अब आप देखिए कि इस प्रकार से स्कैम होते रहे और मेरे और आपके जैसे जेन्युइन इन्वेस्टर का पैसा भी खड्डे में चला जाए, शेयर मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी हो रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, तेरी गलियों में ना रखेंगे सर कदम। हम वापस जाएंगे गोल्ड और रियल एस्टेट में। रियल एस्टेट में बहुत जाएंगे तो अपने आप वो ब्लैक मनी का पूरा इश्यू शुरू हो जाता है। गोल्ड में बहुत निवेश शुरू हो जाएगा, गोल्ड इंपोर्ट बढ़ता है, CAD बढ़ती है, रूपी विल गेट वीक, क्रूड ऑयल महंगा हो जाएगा, पेट्रोल महंगा हो जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, तो इस कारण से भी जरूरी यह है कि लोग शेयर मार्केट में आते रहें। स्वाभाविक है सेबी की जिम्मेदारी बनती है कि भाई ऐसे स्कीम वापस ना हो, आप कुछ रिफॉर्म्स लीजिए। क्या रिफॉर्म लिए गए,
एक तो बटला सिस्टम को प्रतिबंध कर दिया और सर्किट ब्रेकर सिस्टम लेके आए। हम समझे ये बटला सिस्टम क्या है, एक बेसिक ओवरव्यू। बटला सिस्टम उसको कैरी फॉरवर्ड सिस्टम भी बोलते हैं। बॉटम लाइन इसकी ये है कि व्यक्ति के पास खुद की जेब में पैसा ना हो तो भी उधारी में पैसा करके वो शेयर मार्केट में गेम खेलता रहे। सपोज ऐसा सिस्टम चल रहा है कि टी प्लस 5 ट्रेड सेटलमेंट इज परमिटेड, मतलब आज की तारीख में आपने ट्रेड किया तो 5 दिनों के अंदर आप वो ब्रोकर को पैसा दे दो और ब्रोकर आपको शेयर की डिलीवरी दे दे। उस प्रकार 10 दिनों की 72 डेज की भी चलती रहती है। ये आलोकनाथ और ऐसे दूसरे चिल्लर टाइप के लोग क्या करते थे, उनकी जेब में पैसा ना हो फिर भी बड़े बड़े दाव लगाते थे कि ब्रोकर को बोलते हैं मेरे नाम की इतने लाख के शेयर आप खरीद के रखो, मैं 5 दिनों में सेटलमेंट कर दूंगा, 10 दिनों में, इवन 72 डेज में, और इन बिटवीन दैट टाइम मैं आपको ब्याज देता रहूंगा। और तब तक ये ढूंढते रहते हैं कि अचानक से शेयर का भाव बढ़ जाएगा तो मैं बीच बिकवा दूंगा और मेरा रिकवरी हो जाएगा वगैरह। अगर नहीं होगा तो फिर कैरी फॉरवर्ड ट्रेड को और आगे कि 10 है तो फिर 15 दिन 72 डेज है चलता रहेगा। स्वाभाविक है ऐसे लोग जिनके पास खुद का पैसा नहीं और वो स्पेकुलेशन और बैटिंग कर रहे हैं तो शेयर मार्केट में वॉलेटिलिटी आएगी और ये स्कैम कुछ होते रहेंगे। तो सेबी ने इस पे प्रतिबंध करके अब जो लेटेस्ट सिस्टम है इट इज कॉल्ड टी प्लस 2 सिस्टम, मतलब आज अगर आपने ट्रेड किया तो 2 दिनों के अंदर आप उसको कैश दे दो और ब्रोकर या जो भी डीलर है आपको शेयर की डिलीवरी दे दे। 2 दिनों के अंदर काम खत्म करो, ये 10 दिन और 15 दिन ये सिस्टम नहीं चलेगा। तो पहला काम ये किया गया, बटला सिस्टम या कैरी फॉरवर्ड ट्रेड उसको प्रतिबंध किया गया। सेकंड जो लाए सर्किट ब्रेकर, हमने देखा दोनों ही केस में हर्षद मेहता ने जमकर खरीदारी की तो अचानक से सेंसेक्स ऊपर चला गया। तो मतलब कि अचानक से किसी शेयर के दाम या सेंसेक्स ऊपर हो जाए तो कुछ गड़बड़ हो रही है। तो अपने घर में हम वो फ्यूज बॉक्स लगा के रखते हैं कि अचानक से वोल्टेज बढ़ जाए तो वो ब्रेक हो जाएगा और अपनी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस बच जाएंगी। उसी प्रकार सर्किट ब्रेकर का कंसेप्ट चलता है। BSE, NSE ये सारे स्टॉक एक्सचेंज भी अपने हिसाब से इंडिविजुअल शेयर पे सर्किट ब्रेकर लगा के रखते हैं कि इस शेयर का दाम अचानक से इतना अगर बढ़ जाएगा तो हम उसको ट्रेडिंग कुछ समय के लिए रोक देंगे, इंडिविजुअल शेयर पे इस प्रकार की सर्किट ब्रेकर। और पूरे मार्केट के ऊपर भी सर्किट ब्रेकर फिट की है सेबी ने, ये हम समझे। मार्केट वाइड सर्किट ब्रेकर ये चीज क्या है, सबसे पहले तो आप पिछले दिन में क्या सेंसेक्स था ये पकड़ो। मान लो 1 जनवरी में सेंसेक्स था 10,000, तो अगले दिन उसके अंदर 10% का उछाल आ जाए, मतलब 1,000 पॉइंट ऊपर चला जाए या 10% नीचे गिर जाए, मतलब 1,000 पॉइंट नीचे गिर गया है, तो ऑटोमेटिक सर्किट ब्रेकर एक्टिव हो जाएगा। मतलब कि ये बीएसई वालों को 1 घंटे के लिए अपना पूरा ट्रेडिंग बंद करवा देना पड़ेगा सभी शेयर्स का। और ये मार्केट वाइड है, मतलब कि अगर बीएसई में ये गड़बड़ हुई तो तुरंत अपना अहमदाबाद है, एनएसई है, सभी लोगों को भी अपने अपने स्टॉक एक्सचेंज पे 1 घंटे के लिए ट्रेड बंद कर देना होगा। उसी प्रकार अगर 15% ऊपर नीचे चला गया तो 2 घंटे बंद करो, 20% हो गया तो पूरे दिन के लिए ट्रेड आप बंद कर देंगे और पूरे स्टॉक एक्सचेंज सभी को ये लागू होगा। भारत के अंदर ये 2-way सर्किट ब्रेकर है, मतलब अगर ऊपर जाए तो भी बंद करवा दोगे, नीचे जाए तो भी बंद करवा दोगे। इन द डेवलप कंट्रीज केवल 1-way सर्किट ब्रेकर ऊपर की तरफ जाए उनका जो भी एक्सचेंज है तो ही वो बंद करवाएंगे, नीचे जाए तो बंद नहीं करवाएंगे। ठीक है, बेसिक कुछ आइडिया होना चाहिए एमसीक्यू के। हमने देखा सेंसेक्स की कैलकुलेशन कैसे होती है, डीमैट सिस्टम क्या है, पान कार्ड आधार का फर्क देख लिया, ऑनलाइन ट्रेडिंग कैसे करते हैं, हर्षद मेहता केतन पारेख ने क्या स्कैम किए और उससे बचने के लिए सर्किट ब्रेकर सिस्टम कैसे एक्टिव किया गया। तो ये अपना जो फर्स्ट जो पोर्शन करना था शेयर मार्केट के रिलेटेड कंसेप्ट। आगे बढ़ के हमने अब बात करती है फाइनेंशियल स्कैम्स। ब्रेक लेवो छे के चालू राखी, चालू राखी बच्चे, एकाज स्कैम पते ले पछी आपणे इंटरवल लाइन पर बीजा स्कैम करी पिक्चर छे ने एक जात नु